यूपी में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज सुबह पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का शव पड़ा मिला, जिसे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सीओ पूर्वा ने पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरी घटना पूर्वा कोतवाली के अंतर्गत बेवल मनसाखेड़ा रोड पर ग्राम कुदैया खेड़ा के पास की है, जहां एक अज्ञात महिला का शव पाया गया। महिला लाल साड़ी पहने हुए थी, उसके हाथ में रामकिरण लिखा हुआ था। पास में एक 500 का नोट फटा हुआ पड़ा मिला। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस के छानबीन में महिला की शिनाख्त किरण पासी पत्नी रामू पासी निवासी पोखरी थाना बिहार के रूप में हो गई है, जो 3 नवंबर को तखत खेड़ा के एक व्यक्ति के साथ भागी थी। आगे अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता हो पाएगा कि महिला की मौत का कारण क्या है। जा रही हैं तो हम कहा नहीं आवे दो वही है तुम यही लग के लौटा रहा उनका जाने कहीं जा रही कबो न मारे न एक चट्ठा कबो नहीं मारे मेरी बिटिया के चट्ठा नहीं न कबो घर आए न तो हम कहा नहीं आवे दिन का यही लग लौटा लग रही है साहब आज 9 साल हो गए मिलन नाम पहली लड़की ये पहली लड़की है सबसे पहले ये लड़की तब भी हमारा ये लड़का है उसके बाद देखिए पूर्वा बिहार मार्ग पर एक महिला का शव मिला है, जिस पर 2 गोली के निशान मिले हैं। महिला के हाथ पर राम और किरण लिखा हुआ है। अभी महिला की पहचान नहीं हुई है। जानकारी के लिए धन्यवाद।